हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वही हो रहा है जिसकी कल्पना की गई थी। बिग बॉस जो है वो अब घर में तबाही मचाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहला टास्क दिया जिसके जज बनाया दीपक चौरसिया को, आज का मुद्दा बना और ये मुद्दा आखिरकार कौन जीता है, क्योंकि दो टीमें बनाई गई थी। पहली टीम में अरमान मलिक थे, दीपक कटारिया थे, साथ ही साथ थे नीरज गोयत, और इन तीनों के बारे में जो दूसरी टीम थी उसे बताना था कि ये क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्या इन्होंने एक दिन में एंटरटेनमेंट किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, जो दूसरी टीम थी उसमें रणवीर शौरी थे, उसमें सना सुल्तान थी और साई केतन थे। ये तीनों थे जिन्हें इन तीनों पर ना काफ़ी सारे सवाल दागने थे कि आखिरकार क्या अरमान ने, लवकेश कटारिया ने और क्या जो नीरज गोयत है, इन्होंने एक दिन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये तमाम चीज़ें चल रही थी और ऐसे में आपस में कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। अरमान को काफ़ी ज़्यादा घेरा गया कि आप अपनी दो पत्नियों के साथ आए हो, आपकी परिवार यहाँ पर है, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप तो मतलब अभी तक आपने उसके बावजूद कोई भी यहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाई है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये तमाम चीज़ें हो रही थी और ऐसे में ना हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कौन विजेता बना है आज का मुद्दा टास्क का। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज का मुद्दा टास्क का जो विजेता है वो टीम रही है, अरमान जीते हैं, अरमान के साथ नीरज गोयत और साथ ही साथ लवकेश कटारिया। क्योंकि भाई ये वाकई में ये तीनों वो हैं जो कि यहाँ पर अब आए हैं तो वो अपना सब चीज़ें दिखा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ना जनता भी देख पा रही है और जनता भी इन्हें ही सपोर्ट करती नजर आ रही है। बहरहाल गाइज, आपकी क्या राय है, क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।